मिट्टी से मोहब्बत गढ़ने वाले कुम्हार, चाक नचाते नचाते मुफलिसी के आगे बेबस कुम्हार। इस तस्वीर की कहानी बस यही है। इनके बनाए हांडियों में अमीर घरों की बिरयानी पकती है, इन्हीं के बनाए कुल्हड़ों में बड़े बड़े दुकानों की चाय पकती है, लेकिन इसे गढ़ने वालों के चूल्हे पर भरपेट अनाज भी पकता है या नहीं, यही हम दिखाएंगे। लाखों के दिए गढ़ने वाले कुम्हारों के घर में सरकारी योजनाओं की रोशनी नहीं पहुंची, सरकार का सिलेंडर नहीं पहुंचा। तस्वीर में दिख रहे दिए किसी दिवाली में घरों को रोशन करेंगे, लेकिन शायद इनके हिस्से की रोशनी इन्हें तब भी नहीं मिलेगी। यह तस्वीर पटना के बांस घाट स्थित कुम्हार टोली की है। अब जरा इन बुजुर्गों को ही देख लीजिए। कहते हैं बचपन से बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर की हालत देख लीजिए, लेकिन हालत अब भी नहीं बदली। बुजुर्ग की बात सुनिए, फिर एक एक कर सबके बयान सुनिए, हालत खुद ब खुद समझ जाएंगे। अब काम कर दे हमारा तो कोई तमजे मना हुए। अरे हम तो लड़का से बूढ़ा हो गया, अब चलो नहीं हो पा रहा है। लेकिन किसका काम जो कर रहे हैं अभी, लेकिन परेशानी हम देख रहे हैं, ढड्डी में आप माल बना के रख रहे हैं, क्या सरकारी योजना के तहत कोई लाभ मिला है या नहीं? कौची दे रहा है, कुछ दे रहा है सरकारी योजना? कुछ दे रहा है सरकार है, पूछो तो लगे नहीं आता है, कभी नहीं मिला। वही राशन मिलता था तो भी पैसा देते थे, कंट्रोल से राशन मिलता था, उसके बाद फिर नहीं पैसे से लिए। मुखिया बना तो भी देख लीजिए, हम लोग के काबे सब रख लिया। कोई भी आदमी आता है ऐसी तिर के ले जाता है, कुछ मिलता जुलता है ये नहीं है। तब सरकार के यहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता है, हम लोग क्या जानते हैं भाई। मिट्टी के खिलौने गढ़ने वालों की जिंदगी खिलौना है तो जिम्मेदार कौन है, सवाल यह भी है। सूद कौन लेगा? मिट्टी से जाने क्या क्या गढ़ने वालों के मिट्टी वाले चूल्हे से धुआं उठता है। चूल्हे में आंच भी तेज है, लेकिन महिला का दर्द बता रहा है कि पेट की आंच शांत करने के लिए इस चूल्हे पर शायद कुछ पकता नहीं है। नहीं, राशन कार्ड बनवे नहीं किया है, बनेगा राशन कार्ड तब ना पैसा भराता है। हम लोग का भी राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का भी नहीं। तीन चार बार हम भर चुके हैं दोनों वार्ड में, 26 वार्ड में, एक 24 वार्ड में, दोनों में से कहीं नहीं राशन कार्ड बना है हम लोग का। हम लोग का चार वो बच्चे हैं, लॉकडाउन में सब चीज बंदी हो गया, हम लोग कहाँ से खाएं। उम्र गुजर जाती है ऐसे लोगों की जो न जाने कितने चुनाव देखते हैं, लेकिन कभी चुनावी वादों को पूरा होते शायद ही देखा हो। अगर देखा होता तो उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी यह महिला नहीं कह रही होती कि इस बार चुनाव में वोट नहीं देंगे। ना दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो गया, अब जब वोट बनेगा तब अभी वोट नहीं गिरामेंगे। तो राशन कार्ड नहीं मिला, वोट नहीं गिरामेंगे। हाँ, नहीं गिरामेंगे, अभी मुंह पर जवाब दे देंगे। यह गुस्सा ही बताने को काफी है कि दरअसल मिट्टी के इन शिल्पकारों की तकदीर सुस्त सिस्टम की चाक पर चढ़ी नहीं या चक्का नहीं चला, तभी कुछ गढ़ा नहीं गया। सोते जागते मिट्टी और सिस्टम का सितम, ऐसे ही तकदीर भी मिट्टी है। हम लोगों का यह है कि बरसों से लंबित हम लोगों का मांग है, आज तक सरकार नहीं दी, और मांग है कि हमको चाहे तो आप सरकारी सेवक घोषित कीजिए, अगर सक्षम नहीं है तो आप हमको मानदेय दे दीजिए 30,000 रुपया। आज परवल का दाम है 80 रुपया किलो और हमारा कमीशन क्या है 70 पैसा किलो। आज पैसा का गिनती तो किसी जगह नहीं है, 70 पैसा में क्या मिल सकता है। डीटीवी भारत के लिए पटना से प्रवीण के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।